गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटरव्यू के लिए, जो कि आप आईटी या जेटी पर जाते हैं या प्लेसमेंट पर जाते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता सब कुछ होता है, लेकिन हम नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस होने के कारण क्या हो जाता है, हमारा इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो इस वजह से आज मैं आपको थोड़े से कुछ टिप्स दूंगी, जिससे आपको पता चले कि आपको इंटरव्यू को कैसे फेस करना है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आपको इंटरव्यू को फेस कैसे करना है। ठीक, देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है कि आप कभी भी ना हेजिटेट मत करिए, डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब आप सभी जानते हैं कि आपको ना हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है। कभी ये मत सोचिए इंटरव्यू देते टाइम कि यार क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही अगर अपने रिजल्ट को सोचेंगे तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट मत सोचिए, हेजिटेट मत होइए, इंटरव्यू को फेस कीजिए, डरिए मत इंटरव्यू से। इंटरव्यू की सबसे बड़ी कमजोरी आप लोगों के साथ क्या हो जाती है, जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं आप स्ट्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग तो रात को सोते भी नहीं कि कल इंटरव्यू है। ठीक है, प्रॉपर आप फूड नहीं लेते हैं कि नहीं मेरे को सुबह आप नाश्ता करके नहीं जा रहे हैं कि यार इंटरव्यू है आज क्या होगा। ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो भी एक इंसान ही है, वो भी आप ही की तरह एक ह्यूमन बीइंग है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो आपको कुछ बोलेगा, है ना। सब लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो आप इंटरव्यू लेते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो आपके साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं करते। तो आप डरिए मत, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए कि ठीक है, मुझे जो इंटरव्यू देना है वो पूरे कॉन्फिडेंस से देना है।